पहले टीम के कैप्टन और उनके साथी पार्टनर बॉलर नाम छोटू बंगाला की पहली ही गेंद लौट कर दिए है छोटू के लिए और यहां पर जिस तरह से हिटमैन गेंद रखनी है गुमशुदा हो जाएगी आ जाएगी एक बार फिर हर्ष वार्षिक के सुंदर वापसी करते हुए छोटू बंगाला टाउन डेस्क तक जाते हुए निश्चित रूप से टीम के लिए 3 रन बचाए यहाँ पर और लेग बॉल के रूप में चौका है। बाद में दर्शकों को खुशखबरी दूंगा हर्षवार राइट करना चाहते थे ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं चढ़ते गेंद लगी बल्ले के रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं ओवर को जारी रखते हुए हर्षवार ड्राइव किया है लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में और एक लेग बॉल के रूप में 7 रन इस बार हर किसी पिस्टल के बाहर मिली और उसका पीना फायदा उठा दिया गली प्लेट में 6 से निकाल दिया गया मोहडी लाइन के बाहर 4 रन के लिए ओवर की समाप्ति तो पहले ओवर की समाप्ति पर 11 रन सूर्य ने क्रिकेट क्लब करना पर कृषि 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन की दम पर ज्यादा निर्भर है और इस बार दीपेश चौबे का हवाई फायर दर्शक दीर्घ में जाकर गेंद गिरी और देखकर जाएगी पूरे आधा दर 18 रन दूसरा ओवर तारक के रूप में है स्पोर्ट्स पर पेज और इस बार ड्राइव किया है लोग आपके क्षेत्र में किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और गेंदबाजी रन के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए और इसी 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन तीसरे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन तीसरा ओवर प्रगति पर पॉइंट के क्षेत्र में स्लिप से जाकर गेंद को इतनी चतुराई के साथ गेंद को फील्ड किया टीम का स्कोर रुका हुआ 25 रन अशराज पैरों पर फेंकी हुई गेंद लेकिन इस बार एक अंपायर के पास जब तक गेंद जाए उठाकर थ्रो किया जाए फील्डर के द्वारा लेग बाई के तौर पर रन जुड़ता हुआ खाते में और इसी 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन नुकसानबाजी कर रहे हैं और इस बार लोगों के ऊपर से गेंद को एक टप्पे के साथ और नो बॉल का असर आया है कि नो बॉल पर 5 रन जुड़ेंगे टीम के खाते में और एक और इस बार जो होना चाहिए वही हुआ है छक्का लोगों के ऊपर से किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और इसी बीच ओवर की समाप्ति के 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर 37 रन बिना किसी नुकसान के और पहली गेंद पैरों पर फेंकी थी उसको खिलाड़ियों के साथ मोड़ा है एक जब तक गेंद को फील्ड किया जाए एक ही रन से रहे अब उनको लगवार रिसीव लगाना चाहते थे पूरी तरह से बीट किया तो तिलोक की गेंदबाजी निशानदार गेंदबाजी की थी अश्वार फुंडा से लिया है क्लेंगू का इस्तेमाल कर दिया मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर उसके पीछे भाग रहे सतीश राज कोई फायदा नहीं मिलेगा और गेंदबाज मिलान के वाहन करके 4 रनों के लिए और अश्वार शानदार शॉट खेला है किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री से बाहर निकल के और अंदर भी आ गई तो ज्यादा फील्डर को भी नहीं जाना पड़ा पावर प्ले का आखिरी ओवर है लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड में उसका पूरा फायदा और सुरक्षित अपने स्थानों पर शानदार कमबैक किया है बहरहाल के बॉलरों ने इनके रन टीम का तो 50 क्रॉस कर चुकी सूर्योदय क्रिकेट क्लब 5 ओवर लेकिन एम्पायर के ऊपर अपील का कोई असर नहीं और एक बात है सौरभ और इस बार स्टेज के ऊपर से नीचे है तारे और गेंद चली गई
सीधे जाके कैच क्लब करना फोन लेकिन उनका डेंजर एंड था। यहाँ कोई प्रयास ना कर भैया चाहे चौका छक्का कुछ भी होती तो पांच ओवर के बाद उन सब रन बिना किसी नुकसान के और इस बार गेंद हवा में है उसके बीच फील्डर पकड़ा गया यहां पर चौबे जी की पारी का अंत तो काफी देर के बाद आखिरकार दे रहा है दुरुस्त तो अगला बल्लेबाज राहुल यादव रानीपुरा 74 रन दो विकेट के नुकसान पर सूर्योदय कर्रापुर क्रिकेट क्लब टीम का स्कोर। और मैं कथा जी वीरेंद्र सेन गोलू सोनी मिंटू अग्निहोत्री हरी सिंह दाव शेख नफीस भाईजान दीपेश चौबे रंजीत मेघवाल इन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी मेहनत की है। पिछले 12 तारीख आजा चलो और इस बार हेलीकॉप्टर चलाया तो है लेकिन ज्यादा रन नहीं भर पाया। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद गई और जब तक गेंद को फील्ड किया जाए आसानी से एक रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 75 रन। और अब सामने हैं रोहित राजपूत उनके सामने हैं टीम के कप्तान त्रिलोक और देखना बाकी होगा ये गेंद और निकल दिया है शानदार स्ट्रोक लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में गेंद और एक रन दौड़कर पूरा किया दूसरा रन भी दौड़ना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइक छोड़ पर खड़े रोहित राजपूत ने मना किया। और अब सागर जिले में पूरे के पूरे क्रिकेट क्षेत्र में की तारीफ के काबिल है सितारा शानदार अंदाज में कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए पही गेंद को मानो ऐसा लगा कि एक टप्पे के साथ हवा में पहुंचा दिया हो। और एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार त्रिलोक की गेंद और लेकिन और एक बार फिर गोल्डन किंग सोने राजा उनके सामने है प्रिंस यादव। देखना बाकी होगा कि क्या करते हैं सोने राजा प्रिंस के इस गेंद पर। प्रिंस बिल्कुल पूरे 83 रन सर्वप्रथम तो गाऊ हम सभी कोई दिक्कत और इस बार गेंद पतंग बन के जाती की भी है 8 ओवर 90 रन दो विकेट के नुकसान पर आसमान सोने राजा ने लौट किया है सतीश राज थे नीचे शानदार ओफर था जिससे रूप से 3 रन बचाए कैच की गुंजाइश बनाई थी। दल के साथ हार्दिक स्वागत है बंधन है और अभिनंदन है आप अपना अमूल समय निकाल कर आए उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। गेंद एक बार फिर और शानदार गेंदबाजी बिल्कुल रोहित राजपूत के लिए नजर ही नहीं आई गेंद की कब हाथ से निकली और कब प्रिंस के सीधे हाथों में पारी के हाथों में ये गेंद और हवाई फायर गेंद सीधे के सीधे तारा मंडल में जाकर समा गई। छोड़ आयोजन रखी गई है एक बार फिर कप्तान त्रिलोक गेंदबाजी करने के लिए तैयार सामने है रोहित राजपूत और पहुंच गए और टीम का स्कोर 103 रन। और एक बार फिर रोहित राजपूत और शानदार अंदाज में निकाल दिया है लेकिन सामने है रोहित राजपूत के लिए गेंद और निकाल दिया है शानदार अंदाज में और क्षेत्र गेंद के नीचे इस बार फिर से नजर नहीं आई और कहते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी 111 रन दो विकेट के नुकसान पर फाइनल तो फाइनल होता है। सौरभ तिवारी क्या बोले जी हाँ और रोहित राजपूत 25 गेंदों में 44 रनों पर अब स्ट्राइक पे आ गए हैं तो अब यहां से देखते हैं कि 50 लगा पाएंगे। दीपेश चौबे ने तो 52 रनों की एक पारी खेली थी और हमारे भाई और इस बार पर बगैर से गेंद को मोड़ दिया है
पहुंच गए। इस बार स्क्वालियर एम्पायर के पास इनको बोला है, एम्पायर का सारा लेग बाई का तो अभी भी इंतजार रहेगा उनको। 50 का सौरभ तिवारी शानदार, और सौरभ की गेंद निकाल दिया गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन एक बार फिर खराब फील्डिंग का नजारा साफ देखने को मिलता होगा। और यहाँ पर निश्चित तौर पर खुद को कोसते हुए यहाँ पर क्षेत्र रक्षक और यहाँ पर लेग बाई के रूप में रन आएगा। तो यहाँ पर गेंदबाज के लिए एक इनामी राशि आई है क्या दर्शकों के इरादे, और यहाँ पर लालच में कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है, और लालच में अपना बहुमूल्य विकेट पवेलियन से बाहर जाते हैं। एक बार ओवर हो गया था क्या? जी हाँ, 10 ओवर के बाद। और अब जितने भी क्रिकेट प्रेमी जो अपनी इनामी राशि बुलवा रहे हैं वो सीधे के सीधे आकर रंजी 48 रन ऊपर है। रिकॉर्ड डॉट बॉल पूरी तरह से बीट हुए। 119 रन की दूरी पर है यहाँ पर रोहित राजपूत, और सामने है छोटू राजा, देखना बाकी होगा उनकी ये गेंद, और निकल लिया है शानदार अंदाज में। अरे 48 के ऊपर अपना विकेट गमा दिया है रोहित राजपूत, और कहते हैं दाम हमने जैसा पहले कहा था कि लालच बुरी बला, और कहते हैं अगर बला को बला लग जाए तो फिर बला बना दी जाती है ना, और वही देखने को मिलता होगा यहाँ पर। तो बहुमूल्य विकेट सूर्योदय कर्रापुर ने पहले सोने राजा और उसके बाद दूसरी रोहित राजपूत का विकेट लेने था कोई भी गेंदबाज को, लेकिन दाऊ आपको नहीं लगा कि रोहित ने कुछ जल्दबाजी की है? क्योंकि की राशि आपके लिए भी जमा हो चुकी है, और इस बार कहां गई गेंद भाई, और ऑन द फायर 6 रनों के लिए, आते ही गेंद तारा मंडल में जाकर समा गई 6 रनों के लिए महेंद्र गुरु के द्वारा, और ये लगने वाला शानदार गगनचुंबी छक्का टका गया है कि 108 मीटर का छक्का था। अक्सर पीरों का साथ दिया करती है, और एक गेंद एक बार फिर से छोटू राजा छेद बदल कर अपना, और गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे, देखना बाकी होगा। और सतीश राज है वहां पर, कहां रुकने वाले हैं और कहां गेंद छोड़ने वाले हैं। 5वां विकेट का पतन हो चुका है यहां पर कर्रापुर क्रिकेट क्लब का। कल तो 6 छक्का लगाए थे, आज क्या करते हैं, तो कल है शानदार गेंदबाज छोटू राजा की गेंद, और यहां पर निकाल दिया हल्ला की दिशा में 4 रनों के लिए। लगता है हमारे स्वरों की आवाज, हमारे मुख की आवाज हमारी है टेस्ट टूर्नामेंट में जो खेल चुके हैं, और इस बार देखिए क्या खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया, लेकिन फील्डर था पीछे, शानदार बैकअप किया वहां पर, निश्चित रूप से 3 रन अपनी टीम के लिए बचा लिए हैं यहां पर। और दाऊ त्रिलोक की भी तारीफ के काबिल है जिस अंदाज में उन्होंने जंप लेकर गेंद को पकड़ा है। 30 रन 11 ओवर, और प्रिंस की एक गेंद यहां पर बीरू राजपूत के लिए, और ऑफिस देखना बाकी होगा एम्पायर का इशारा, लेकिन सुरक्षित क्रीज पर मौजूद महज 5 बाले और बाकी हो रहे गेंद, और जिस अंदाज में मारना चाहते थे वो गेंद पे संपर्क नहीं हुआ बल्ले के साथ, एक रन दौड़कर पूरे यहां पर खतरा हो सकता है। जी हाँ, और यहां पर विवेक ज्यों के त्यों खड़े रहे, और दाऊ कहते हैं कि तुमने चाहा ही नहीं गुरु, हालात बदल सकते थे, और पीरू के आंसू तुम्हारी आंखों से भी निकल सकते थे, अरे तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, परिया बनते तो बहुत आगे निकल सकते थे। क्या बात है, तालियां मिलकर निश्चित रूप से, और एक गेंद विवेक के लिए, और निकाल दिया शानदार अंदाज में, लेकिन यहां पर सतीश राज दीवार बनकर खड़े हैं। और संजय भाई यहां पर कप्तान अगर इस टाइप पे होते तो 100 रुपए की राशि है हरि सिंह दाऊ की तरफ से उनके लिए, अगर साबित हुए। एक गेंद एक बार फिर से, और निकाल दिया शानदार अंदाज में, और उतनी ही शानदार फील्डिंग। अब कप्तान को इस टाइम मिल गई है 134 रन,
और कप्तान अगर छक्का लगाते हैं तो पेशा भी बौछार हो जाएगी चारों तरफ से लगता है। गेंद बता दो, गेंद कितनी है? दो बची है गेंद इस ओवर में और हरि सिंह डाल की तरफ से 100 रुपए की राशि। छक्का और जमा भी हो चुके हैं। कहते हैं कि मौके पर छक्का लगाना जरूर बनता है। वादा 50-50 है, वाइड बॉल होगी शायद, निश्चित तौर पर वाइड बॉल यहां पर। और यहां पर रन आउट हो गए एक बार फिर से। बहुत धन्यवाद भाई राहुल शर्मा जी आपका। और कप्तान